लोक संख्या 22 मेरे 23 पितामह समसामे प्रसादे गिरिसोपमम आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः पितामहमसः साम्ये प्रसादे गिरिसोपमा आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः पितामह समह साम्ये प्रसादे गिरिसोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः पितामह समह साम्ये पितामह समह साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां पितामह समह साम्ये पितामह समह साम्ये प्रसादे गिरिपोषमः प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः यथा देवो रमाश्रयः पितामह समा साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां पितामह समा साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां आश्रय सर्वभूतानां Okay. Anyone else from online? मैंने क्या पितामह समसामे प्रसादे हरे कृष्णा प्रभु जी पितामह समासाम्या प्रसादे गिरिशोपन शोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवी रमाश्रय हरि हरि एनीवन एल्स हरे कृष्णा प्रभु जी पितामह समासाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय हरी हरी ओके तो इसका ट्रांसलेशन द साइड विल बी लाइक हिज ग्रैंडफादर युधिष्ठिर और ब्रह्मा इन इक्विनेमिटी ऑफ माइंड ये तो हो गया था अच्छा चलो ही विल बी म्यूनिफिसेंट लाइक द लॉर्ड ऑफ द कैलाश हिल शिवा एंड ही विल बी द रिजॉर्ट ऑफ एवरीवन like the supreme personality of Godhead, that is Narayana, who is even the shelter of the goddess of fortune. Getting my point? This child will be like grandfather Yudhishthira or Brahma. And he will be munificent like Lord of Kailas, that is Shiva, and he will be great resort of everyone like the supreme personality of Godhead, Narayana, who is even the shelter of गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ओके तो हमने कल देखा था ये बालक सिंह के समान होगा ऐसा बताया था साथ ही साथ बताया था कि हिमालय के समान होगा और इसके अलावा एक और चीज बताई थी पृथ्वी के समान तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ब्राह्मण्स बता रहे हैं एक शेर दूसरा हिमालय और तीसरा पृथ्वी तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ दीज थ्री थिंग्स शेर का क्या बहुत ज्यादा ग्लोरी तो नहीं है लेकिन फिर भी शेर सारे जानवरों में क्या है सबसे बड़ा है सबसे ज्यादा पावरफुल है और जंगल का राजा है क्या है
जनरल का राजा। अगर हम ताकत की बात करते हैं तो किसका नाम लिया जाता है? नहीं, शेर का। हाथी ताकतवर है लेकिन ही इज नॉट द किंग ऑफ जंगल। हु इज द किंग ऑफ जंगल? शेर जंगल का राजा है। केवल ताकत का मतलब ये नहीं होता है कि बस ताकत है, कोई थप्पड़ भी मार दे तो कुछ नहीं करे। ताकत मीन्स वी हैव टू इंटेलिजेंस हाउ टू यूज दैट पावर। तो शेर के पास ताकत तो है ही, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी है कि उसको कैसे करना है, और फुर्ती भी है। क्या भी है? फुर्ती, एक्टिवनेस भी है। बहुत ताकत तो कई लोग गांव में होते हैं, यहाँ शहरों में भी होते हैं, बहुत ताकत होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस वो थोड़ा सीधे साधे ही रहते हैं, उतना नहीं कर, समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते उस ताकत को, है कि नहीं? तो एक हो गया शेर, तो ये किसकी तरह होगा? शेर की तरह होगा, बहुत ताकतवर होगा, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा हिमालय। हिमालय की तरह क्यों होगा? हमने कल भी बताया था कि हिमालय क्या है, सारी जड़ी बूटियों की स्रोत है, सारे नदियों का स्रोत है, है नहीं? सारी उपजाऊता, सारी फसल, सब कृषि यहाँ से शुरू होती है। अगर हम यहाँ नदी का पानी रोकते हैं, वैसे रोक तो नहीं सकते, पर नदी का पानी रोक दिया जाए तो पूरा प्लेन्स खत्म हो जाएगा, केवल बारिश पर निर्भर रहेगा, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सारी फसलें खराब हो जाएगी, पूरे इंडिया में जो धन की आपूर्ति होती है, धान की, गेहूं की, सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? हिमालयस। इवन द सेंटली पर्संस, दे वांट टू रिजाइड इन द होली प्लेसेस दैट आल्सो आर सिचुएटेड इन हिमालयस, लाइक बद्रीनाथ। जब भी, जब आपके धृतराष्ट्र जाते हैं ना, ये भी बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, उद्धव भी बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, इवन पांडवाज भी, देखो, गो टू, दे वेंट टू बद्रीनाथ एट द टाइम ऑफ डेथ, यस और नो? एवरीबॉडी इज गोइंग टुवर्ड बद्रीनाथ। मोदी जी भी जब संन्यास लेने गए थे तो बद्रीनाथ ही गए थे, बताओ। तो बद्रीनाथ इज होली प्लेस फॉर द ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी भी करनी हो तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो हिमालय क्या है? खजाना है। क्या है? खजाना। सबकी आपूर्ति कौन कर रहा है? हिमालय कर रहा है। तो इस हिमालय की तरह सबको आश्रय प्रदान करने वाले होंगे। कौन? परीक्षित महाराज। तीसरा क्या है? पृथ्वी के समान। तो पृथ्वी कैसी है? अगर ये सहनशील है, क्षमाशील है, हम पृथ्वी पे बैठ रहे हैं, देखो कुछ बोल रही है कि मेरे ऊपर क्यों बैठ रहे? अगर हार्दिक तेरे ऊपर बैठूं मैं अभी 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी बैठूं तो क्या करेगा? लाल पीला हो जाएगा, यहाँ आना ही बंद कर देगा और पूरे देहरादून में फैला देगा, वहां नहीं जाना, बहुत बदतमीज आदमी। और सोचेगा कि एक बार उठ तो जा, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो बहुत क्षमाशील है। हम कितने लोग अच्छा दे दूं मैं ऋण? अच्छा ठीक है। तो बहुत, क्या नाम है उसका, तो पृथ्वी के अंदर कितने लोग हैं? भारत की जनसंख्या करोड़ों है, 1.25 करोड़, है कि नहीं? ऐसे चाइना, ऐसे रूस, कई कंट्री, सारे लोग बैठते हैं, कुछ बोलती है धरती। किसी दिन बोला सारी का, यार तुम मेरे ऊपर मत बैठा कर, बहुत भारी होती है, वेट ज्यादा है तेरा। कभी नहीं बोला होगा पृथ्वी ने, कभी नहीं बोलती, क्योंकि बहुत ही क्षमाशील और साथ ही टॉलरेंट है। कैसी है? बहुत ही टॉलरेंस पावर है पृथ्वी का, माँ के समान। इसी प्रकार से पृथ्वी में केवल अच्छे काम ही नहीं होते, केवल बैठते नहीं हो आप, वॉशरूम भी पृथ्वी में ही जा रहे हो, बताओ। देखो वॉशरूम जाते हैं कि नहीं? पृथ्वी में जाते हैं, कितनी बदबू आती है और कितना गंदा लगता है वॉशरूम, हम उसके पास भी रहना नहीं चाहते। पहले हम ऑल्टर वहां रखते थे, तो ऑल्टर वहां क्यों नहीं रखा? क्योंकि पास में वॉशरूम, सोचो, और पृथ्वी के ऊपर ही वॉशरूम हो रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो पृथ्वी क्या है? बहुत ही सहनशील है, बहुत ही क्षमाशील है। हमको तो कोई कुछ बोल दे गलती से, वो भी ऐसे नहीं इंटेंसली बोल रहा है, गलती से कोई बोल दे तो हमें बहुत दिक्कत होने लग जाती है, हम उसका बदला लेने की भावना कई सालों तक अपने मन में रहते और बोलते नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, अच्छे से ट्रीट नहीं करता हो। तो एक बार हम होटल में गए थे देहरादून में, किसी होटल में, वेज होटल था, 2-3 साल पहले। तो एक वेटर आया, उसने कुछ बोला कि और कैसे हैं आप, मतलब ऐसे बोल दिया कुछ थोड़ा बहुत। तो एक व्यक्ति हमारे साथ वाला बोलता है, आप अटेंड मत करो हमें, कोई और अटेंड करेगा, मतलब उसने थोड़ा सा बोल दिया, हल्का सा ऊंची आवाज में बोल दिया। उसने कहा नहीं, ये तो हमें बेवकूफ समझ रहा है, ऐसे कैसे बोल देगा, इसकी हिम्मत है क्या? उसने बोला नहीं, आप अटेंड मत करो, कोई और अटेंड करेगा।
सोचो, इतनी भी सहनशीलता और इतनी भी क्षमाशीलता नहीं है। उस वेटर और हमारा कनेक्शन कितनी देर का, मुश्किल से आधे घंटे का, जितनी देर वहां खाएंगे, और उतनी देर में भी वो कुछ ऐसी अभद्र बातें नहीं बोल रहे, बस थोड़ा सा उसका बिहेव अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको चेंज करना चाह रहे। पृथ्वी में हम कितने दिन रहने वाले हैं, जितने समय तक रहेंगे जिएंगे, हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, वॉशरूम यहीं जाएंगे, नहाएंगे यहीं, खाएंगे यहीं, गंदगी यहीं फैलाएंगे, सब कुछ यहीं करेंगे, बोझ बन के पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन फिर भी पृथ्वी कुछ नहीं बोलते। और हम ही नहीं, लाखों लोग, हम मर भी जाएंगे या हम नहीं भी थे तब भी यहाँ लोग रहते थे, और हम चले जाएंगे तब भी लोग यहाँ रहेंगे, और पृथ्वी कुछ नहीं बोलेगी। तो ये क्षमाशीलता हमें कहाँ से सीखनी चाहिए, पृथ्वी से। तो परीक्षित महाराज किसकी किसकी तरह होंगे, पृथ्वी की तरह होंगे। ठीक है, तो आज का क्या है, इसके बाद कह रहे हैं कि ये बालक मन की समता में किसकी तरह होगा, पितामह युधिष्ठिर की तरह। युधिष्ठिर महाराज कभी ये नहीं करते थे कि भाई ये पराया है। मन की समता के दो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। एक अर्थ तो ये है कि सबके साथ एक ही जैसा मन बनाना, ऐसे नहीं मनीष आ गया तो उसको बोल दिया तेरे लिए खीर पूड़ी बनाएंगे, और हार्दिक आ गया तो बोला नहीं तेरे को पोहा दे के छुटकारा कर लेंगे, पोहा खिलाएंगे तुझे। दोनों के लिए सेम, इसको बोलते हैं मन की समता। और इससे भी बड़ा अर्थ क्या है कि माइंड कभी तो, जैसे कल सुंदर गोपाल प्रभु क्या कह रहे थे कि आप बोलते हो कि भाई मेरा मन ऐसा कर रहा है और मैं ऐसे कर रहा हूँ, मन कब प्लानिंग चेंज कर देगा पता ही नहीं चलेगा। आप जज नहीं कर सकते हो अपने आप को, कौन जज करता है, आपके सीनियर्स जज करते हैं, गुरु जज करते हैं आपको, कि आप जैसे स्कूल में बच्चा सोचता है मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा अपनी मर्जी से, टीचर कह रहा है ऐसा नहीं ऐसे करो, वो अपने दोस्त से पूछ रहा है, और दोस्त कौन है, दोस्त उससे महान है या उसी के जैसा है, उसी के जैसा। दोस्त कह रहा बेटे अलग पांडे से मत पढ़ा कर, मैं बताता हूँ तुझे एक नई बुक आई है SJ नोट्स की, उससे पढ़ सब ठीक हो जाएगा। और बच्चा किसकी मानता है, टीचर की या दोस्त की, 100% दोस्त की मानता है कि मेरे दोस्त ने कहा था, और रात को बोलता है दोस्त का कॉल आ रहा है, समझ रहे हो, जैसे कि प्रधानमंत्री का कॉल आ रहा है, बाप रे दोस्त का कॉल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त कौन है, कौन है वो दोस्त बताओ, उसी के जैसे ही, हो सकता है उससे भी बेकार हो समझ रहे हो, और हम दोस्त की बात मानते, टीचर की बात नहीं मानते। इसी प्रकार से टीचर हमें वास्तव में जज कर सकता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारा दोस्त हमें कभी जज नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्त है तो इसलिए वो क्या बोलता है, प्रेम से बोलता है, और कभी कभी अच्छा भी बोल देता है, अरे तू कर सकता है, तभी तो उसके साथ दोस्ती है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में उसकी मदद कर रहा है। अरे तो एक बार क्या नाम है, मैं बहुत पहले की बात है, 8-10 साल पहले हम लोग एक रूम लेकर के रहते थे देहरादून, तो एक भक्त, जब मैं शुरू शुरू में कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ा था, तो मुझे याद है वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, MBBS फाइनल ईयर, तो अच्छी दोस्ती होगी उनकी मेरी, तो अच्छी दोस्ती हुई, तो उसको नहीं पता कि अभी खाते पीते नहीं इस तरह से। तो मुझे एक दिन कहता है, अरे तुम लोग क्या करते हो, तुम शाम को एक पौवा लिया करो सैटरडे को, और बस हफ्ते में एक दिन चलता है पौवा लेकर के, संडे को आराम से सुबह आराम से उठो, समझ रहे हो। तो सोचो अगर कोई और होता तो दोस्त कितना अच्छा लगता उसको, हाँ क्या बढ़िया गाइडेंस दे रहा है ये, मेरा ध्यान रख रहा है तो मैं उसको बोला कि नहीं ये सब तो हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको अगर रहना है तो इसके बिना मेरे साथ रहना होगा। तो अभी भी कभी कभी 3-4 साल पहले भी उसका फोन आया था, जब उसने देखा नेटवर्क पे ID देखी, तो कह रहे और कैसा चल रहा है, अभी भी पीना शुरू किया या नहीं किया और वो हरे कृष्णा ठीक चल रहा है आपका। लोग सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही हैं, 2-4 साल करेंगे ये हरे कृष्णा, फिर तो दोबारा कैसे रह सकते हैं, कैसे इतनी जल्दी उठ सकते हैं, कैसे बिना प्याज के रह सकते हैं, कैसे बिना दोस्तों के रह सकते हैं। अरे जरूर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप स्कूल के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे साथ ही जो जहां हम काम करते हैं सब लोग बोलते थे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ज्यादा नहीं चलने का, ये क्या नहीं चलने का, ज्यादा नहीं चलेगा ये, देखना एक दिन ये प्याज खाना शुरू कर देगा, एक दिन ये हमारे साथ मिक्स होना शुरू कर देगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए लेकिन मिक्स होना शुरू नहीं किया। दिस इज अ मर्सी ऑफ कृष्णा एंड मर्सी ऑफ गुरु, मर्सी ऑफ बाय द मर्सी ऑफ गुरु ओनली दिस इज द वे बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट अस, केवल गुरु की कृपा से। लेकिन हम लोग गुरु की कृपा नहीं लेते, हम गुरु को सोचते हैं ऐसे ही हमारे जैसे ही है, छोड़ना ये भी तो नहा रहा है धो रहा है, मैं भी नहा धो के आया हूँ, ये भी हरे कृष्ण हरे हरे कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, बल्कि हो सकता है कभी मैं ज्यादा जल्दी उठ रहा हूँ तो इसलिए ये तो और नीचे हो गया हमसे, ये हमारे बराबर ही है क्या है। इसलिए गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य
नहीं समझना चाहिए। गुरु हमेशा आपसे ऊपर है, गुरु को देखना चाहिए कि कितनी कंसिस्टेंसी है, कितने सालों से इसी काम को कर रहा है। जब हम महाराज को देखते हैं तो इंस्पिरेशन क्यों आता है। मैं तो कुछ महाराज से मिलने से पहले, इवन सचिनंदन प्रभु से मिलने से पहले मैं 16 माला करता था। तो क्या क्या बात है इनमें, क्यों हम इनके पीछे लगे हुए? क्योंकि हम एक बात देख रहे हैं, वो हरे कृष्णा महामंत्र कितने सालों से कर रहे हैं और उसी कंसिस्टेंसी के साथ। आप कभी भी महाराज के चैनल खोलिए, जहां भी महाराज जाते हैं एक ही बात करते हुए मिलेंगे, तुलसी महारानी की जय। आइए भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं रोज महाराज, और आज से नहीं कर रहे, फ्रॉम लास्ट 45 to 50 years, 40 साल से महाराज एक ही काम कर रहे। तो उसको देख के इंस्पिरेशन आती है। बाकी हरे कृष्ण जब तो कोई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मंगला आरती तो हम भी कर रहे हैं। आप क्या अंतर है हम में और उनमें? एक ही अंतर है, He is consistent. ये प्रेरित करता है, कोई नहीं कर सकता। आप में से कर सकता है कोई लगातार एक महीने तक? नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहे हो, हम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन महाराज 40 साल तक कर रहे हैं। ये चीज क्या करती है? इंस्पायर करती है, और यही चीज आगे लोगों को भक्त बनाती है। आप कितने ही प्रवचन कर लो, कितनी साधना कर लो, लेकिन इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, नोबडी विल इंस्पायर टू यू। कोई इंस्पायर नहीं करेगा। एक दिन तो अच्छा अच्छा सुनाएंगे आप और अच्छा लगेगा, हाँ बढ़िया है, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? हाँ, बहुत भक्त ऐसे होते हैं कंसिस्टेंट नहीं है, गुरु में उतनी श्रद्धा नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आगे कुछ और बोल दिया, लेकिन यहाँ माला के प्रति रुचि नहीं है, वैष्णव के प्रति रुचि नहीं है, मटेरियल गाना सुनते हैं, जो मर्जी आए वो करते हैं, कभी कभी प्याज लहसुन भी खा लेते हैं कई लोग, तो चलता है कभी कभी, समझ रहे। वो कितना ही अच्छा प्रवचन क्यों ना करें, उनके फॉलोअर्स बनने वाले नहीं है, कोई उनका संग नहीं करेगा लंबे समय के लिए। कुछ समय के लिए वो डेविएट हो जाएगा, हाँ अच्छा अच्छा है, लेकिन ज्यादा कितने दिन ड्रामा चलेगा? चल सकता है ड्रामा ज्यादा दिन? नहीं कर सकता। मैं आपको कॉस्ट्यूम पहनाऊ, आप हनुमान का रोल कर रहे हो मान लिया, कॉस्ट्यूम पहनाऊ, कितनी देर तक वो कॉस्ट्यूम पहनोगे? एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, रात जैसी होगी ना, अरे यार कब मैं इसको उतारू, अपना लोअर पहनू और टी शर्ट पहनू और सो जाऊ। इसीलिए ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलता है। और महाराज 40 साल से क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये नाटक कर रहे हैं हनुमान के ड्रेस पहन के? नहीं, दैट्स व्हाई। तो हम सबको क्या करना है, हमको कंसिस्टेंट बनने का प्रयास करना है। क्या? रोज 4 माला करते हैं, रोज, एक दिन भी कैसे छूट सकती है, रोज मंगला आरती, रोज गुरु के सानिध्य में। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुलनेस अपने अंदर लाओगे ना, ग्रेटिट्यूड लाओगे कि नहीं इन्होंने हमें भक्ति में जोड़ा है, ये मेरे लिए बहुत महान है। क्या है? महान है। उतना आपकी भक्ति में बढ़ोतरी हो। और कैजुअली ट्रीट करेगा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ आ जाएंगे कल, आ जाएंगे कल, यस यस। हाँ, मैं कल एक मैसेज देखा, एक भक्त लिख रहा है जी, क्या लिख रहा है? यस यस, हाँ आ जाएंगे, विल यू कम टुमारो? यस यस, हाँ आ जाएंगे भाई, चिंता क्यों कर रहा है, सुबह आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ वे एक्चुअली, तो वी शुड लर्न द वैष्णव एटिकेट्स। Without etiquettes, in modern society, we cannot survive. Then what we can talk about the Vaishnava etiquettes? हमें अगर इस modern society में रहना है ना, तो यहाँ के लिए भी हमें etiquettes चाहिए। तो फिर वैष्णवों के जगत में भगवान को प्राप्त करना है, छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। क्या इसके लिए etiquettes नहीं लगते? इसके लिए एक ही etiquettes है। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों क्या थे, दोनों मुस्लिम बन गए थे, बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, दोनों के दोनों राजा बहुत इंटेलिजेंट थे। तो राजा ने जब देखा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, मुस्लिम नवाब था, तो उसने इनके लिए लेटर भेजा कि जाओ बुला करके लाओ, मैं इनको जो है अपने राज में नौकरी दूंगा। तो वो नहीं आए, बोले हम नहीं आएंगे, हम तो ठीक है, ब्राह्मण थे दोनों। फिर राजा ने कहा आओ तुम्हें प्रधानमंत्री का पद देता हूँ। क्या? प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं, बोले ये कौन है, प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं, आजकल देंगे तो मैं तो जाओगे नहीं क्या? प्रधानमंत्री छोड़ो, एक क्लर्क की पोस्ट या आरके बोलते हैं प्योन बनो पर गवर्नमेंट बनो। क्या बनो? प्योन बनो पर गवर्नमेंट बनो। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री का। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं जा रहे हैं। तो फिर राजा ने एक शर्त रखी, बोला कि उनको बोलना अगर आप नहीं आओगे ना, तो जितनी भी गौशालाएं हैं मैं सारी गौशालाओं में गायों को काट दूंगा, और आपके धर्म का जितने भी ब्राह्मण और गौ दो हैं, मैं सबको, सबके गले काटता फिरूंगा। तो जब ये सुना
तो ये सुनकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राजा के पास आते हैं, बोलते हैं आप ये सब मत करो, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, क्योंकि गायों को कटता हुआ थोड़ी देख सकते, ब्राह्मणों को मरता हुआ थोड़ी देख सकते। तो बोला जो आप करोगे वो मैं करूंगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। तब जाकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों एक बन गया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, दूसरा बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। क्या फाइनेंस, और एक तीसरा भाई भी था इनका, उसका नाम था बल्लभ, वो बन गया चीफ सेक्रेटरी। क्या बन गया? चीफ। तो ये तीनों कहां चले गए? ब्राह्मण होते हुए भी राजा के दरबार में नौकरी प्राप्त कर ली। तो ये ब्राह्मण थे, अब राजा क्या है? मुस्लिम है। तो वो बोला कि ये तुम्हारा नाम नहीं चलेगा यहाँ। रूप गोस्वामी का नाम था अमन, अमन प्रभु, जैसे ये अमन है। सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष पहले, और जो तीसरे भाई था उनका नाम था बल्लभ। तो संतोष, अमर और बल्लभ, ये तीनों भाई थे। तीनों भाई राजा के दरबार में, सबसे बड़ा भाई संतोष, जो बाद में क्या बने? सनातन गोस्वामी। उसके बाद रूप गोस्वामी, जो कि अमन थे, और तीसरे थे बल्लभ। इनका क्या नाम था? आई डोंट नो, बहुत फेमस तो नहीं हुए। ठीक है, तो ये दोनों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी, तीनों बन गए। अब बोला भाई हमारे यहाँ तो ऐसे नाम नहीं चलते, संतोष संतोष नहीं चलता यहाँ, तेरा नाम होगा आज से साकर मल्लिक। क्या नाम रख दिया रूप गोस्वामी का? साकर। सनातन गोस्वामी का साकर मल्लिक, रूप गोस्वामी का दबीर खास। क्या नाम रख दिया? दबीर खास। तो ऐसे नाम रख दिए इनके। इनके जब नाम रख दिए तो ये किस बात पे आ रहा है पॉइंट? हाँ गुरु, हाँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को ये रोज लेटर लिखते थे कि चैतन्य महाप्रभु हम क्या करें, हम तो ये नौकरी कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनको एक लेटर भेजते हैं, वो लेटर किसी की समझ में नहीं आता है। और लेटर क्या होता है? बेल, एक पत्ता होता है, उस पत्ते पे भेजते हैं। पहले पत्ते पे लिख के भेजते थे, समझ रहे? तो उस पे भेजते, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे एक स्त्री होती है, वो किसी पराये पुरुष के साथ इंगेज है और उसी के ख्याल में रहती है, लेकिन अपने घर में कैसा एक्ट करती है? अच्छे से खाना बनाती है, परिवार का भरण पोषण सब बढ़िया से करती है, लेकिन उसका पति है कहाँ? उसका पति मान लिया बाहर है, तो वो किसके किसके चिंतन में दिन भर? बाहर पति के चिंतन में। और ऐसे ही आप रहो, आप नौकरी धंधा सब कुछ करो, प्रधानमंत्री भी बनो, लेकिन आप सारा चिंतन कैसे रखो? भगवान में रखो। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई, ये बात केवल दो लोगों को समझ आई, दबीर खास को और साकर मल्लिक, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। तो ये दोनों ने समझ गए इस बात को और महाप्रभु का इंतजार करने लगे। बीच में क्या हुआ, महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आए और पुरी से वृंदावन के लिए यात्रा कर रहे थे। तो पहले पुरी से आना पड़ता है कहाँ? बिहार, और बिहार से आना पड़ता है फिर वृंदावन, हावड़ा। पहले हावड़ा आना पड़ेगा, हावड़ा से वृंदावन, ये गया, और गया से वृंदावन आना पड़ेगा। तो ये कहाँ आगे? चैतन्य महाप्रभु इस तरफ आगे, जहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रह रहे थे, राजा की नौकरी कर रहे थे, उस तरफ आ गए लोग। आकर के जब रात हो गया एकदम, लाखों लाखों लोग महाप्रभु के पीछे, और कोई पेड़ के ऊपर सो रहा है, कोई ऐसी जमीन में सो रहा है, कोई नदी में सो रहा है, समझ रहे? लाखों लोग, कितने लाखों। अभी ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सम्मेलन होता तो कितने लोग आ पाएंगे? 10,000, 5,000, लाख लोग तो नहीं इकट्ठे हो सकते, गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी, समझ रहे? तो इस प्रकार से 10,000 लोग, कितने 10,000 लोग यहाँ मैक्सिमम होते, और वहां 1,00,000, 1,00,000 तो मिनिमम है, उससे कई ज्यादा, करोड़ में चले गई थी संख्या, इतने लोग वहां थे। तो राजा डरने लग गया, अब क्या करें? तो राजा कंबल ओढ़ करके जाता है और देखता है ये कौन है। तो राजा जब चैतन्य महाप्रभु को देखता है तो उसको फील हो जाता है, ये तो साक्षात भगवान है। मैं तो इतने सम्मेलन करवाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, साथ ही साथ गिफ्ट भी देता हूँ, तब जाकर के 10,000 भी इकट्ठे नहीं होते, और ये फकीर बाबा ये करोड़ों लोगों को इकट्ठे कर रहा है, एक रुपया नहीं दे रहा है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, गिफ्ट नहीं, पीना कुछ नहीं, और फिर भी देखो इतने सारे लोग इकट्ठे, जरूर ये क्या है? कोई सुप्रीम पर्सनालिटी है, कि भगवान है, ये मान गया। तो जब वापस आया तो राजा के दो सेक्रेटरी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर रूप गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी, ये दोनों है ना। तो इनसे पूछता है कि आप बताओ कि एक संत आए, आपका क्या मानना है इसके बारे में? ये दोनों तो महाप्रभु के भक्त है, ये क्या बोलेंगे? तो ये कह रहे, ये साकर मल्लिक कहते हैं कि आप हमसे क्यों पूछते हो, आप गए तो थे देखने के लिए। राजा आश्चर्यचकित होता है कि एक तो महान संत है जो बिना दिए करोड़ों लोगों को इकट्ठे कर रहा है, और एक ये, इसको कैसे पता चला कि मैं वहां चले गया?
तो बोला हाँ ये सच बात है मैं गया था। तो फिर सनातन गोस्वामी पूछते हैं अगर आप गए थे तो आपका क्या अनुभव। तो फिर राजा बोलता है कि मुझे तो ऐसे लगा कि तुम्हारी भाषा में जिसको परम ब्रह्म कहते हैं ना वही है, और हमारी भाषा में जिसको खुदा कहते हैं क्योंकि राजा तो मुस्लिम है वो साक्षात खुदा है। क्या है? खुदा। फिर सनातन गोस्वामी पूछते हैं आपको कैसे पता चला ये साक्षात खुदा है। तो बोलते हैं क्योंकि मैं यहाँ 10,000 भी इकट्ठे नहीं कर पाता हूँ राजा होकर के भी, और ये करोड़ों लोगों को इकट्ठे कर रहा है। तो ऐसा केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सही सोच रहे हो आप, वो सच में परम ब्रह्म है, और जो आप राजा हो ना ये राजकाज उन्हीं की कृपा से आपको मिला है, और अगर उनकी सेवा पूजा अच्छे से नहीं हुई ना तो आपका राजकाज छीन भी सकते हैं। राजा डर गया, मुस्लिम राजा डर गया, जाकर के सब अनाउंस कर देता है कि जो ये चैतन्य महाप्रभु नाम के हरे कृष्ण हरे राम वाले आए हैं इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको सारी सुविधाएं दे दो आप जाकर के। लेकिन इसी बीच सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सोचते हैं तो मुस्लिम राजा इसका क्या भरोसा, कब इसका माइंड पलट जाए। तो जब तक इसका माइंड नहीं पलटा तब तक मैं हम जाकर के दर्शन कर लेते। अब ये प्रधानमंत्री है, छोटे मोटे लोग तो है नहीं, प्रधानमंत्री और दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, समझ रहे हो। दोनों कंबल ओढ़ते हैं और हाथ में मसाल लेकर के, क्योंकि पहले ट्यूबलाइट टॉर्च ये सब तो होता नहीं था, मसाल लेकर के, और जाते हैं कहां? चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु जहां रहते हैं आप फील कीजिए, एक पेड़ के नीचे रहते थे और एक दीपक वहां पे हर समय जलता रहता था, ऐसे जैसे हमारे यहाँ दीपक जल रहा है। उसी से इंस्पायर होकर के इन्होंने हमने ये दीपक जलाना शुरू किया। समझ रहे हो। तो एक दीपक जलता था पेड़ के नीचे और सब लोग सो गए थे, बस चैतन्य महाप्रभु भी आराम करने जा रहे थे। तो वो बोलते हैं आप आराम कीजिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, दो खास लोगों को जागना होगा। बोलो क्यों जागना है? क्योंकि कोई खास आदमी कोई भक्त आने वाले हैं मेरे को मिलने के लिए रात में। तो दो लोगों को छोड़ दें, एक श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और दूसरे हरिदास ठाकुर। आप लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, ये ऑनलाइन क्लास में जो जानते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को केवल जानते हैं, नाम सुना है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, पर हाथ खड़े कर सकते हैं। यस प्रभु जी, इतने लोग जानते हैं, प्रभु जी तो जानते ही। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों जगे हुए थे वहां पे, जगे हुए हैं। तो रात को जैसे ही 2 बजता है वैसे ही कम्बल ओढ़ के मसाल डाल के साकर मल्लिक और दूसरा दबीर खास रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों जाते हैं कहां? महाप्रभु से मिलने के लिए। जैसे ही जाते हैं तो उन्हें कौन मिलते हैं? वो दो मिलेंगे, सनातन ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो बोलते हैं कि कौन है आप लोग? बोला मुझे महाप्रभु से मिलना। अच्छा आपको ही मिलना है? हाँ हाँ महाप्रभु बताए थे। कई बार होता है ना ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ कोई आएगा मिलने के लिए, तो उसके जो सर्वेंट होते हैं जो कोई आता है, अच्छा आप ही को मिलना था, आओ सर ने बताया था मुझे, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पास लेकर जाते हैं। जैसे महाप्रभु के पास लेकर जाते हैं कौन? नित्यानंद प्रभु और अच्छा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या है? भक्त। क्या है? भगवान के भक्त। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान। ठीक है, तो भगवान और भक्त का मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे हो रहा है? किसके माध्यम से हो रहा है? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर भगवान को मिलना है ना तो दो माध्यम से मिला जा सकता है। एक तो हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन है? नाम, नामाचार्य, नाम के रूप में। अगर आप नाम करते हो ना बहुत अच्छे से, शुद्ध नाम लेते हो, तो आप भगवान के पास जा सकते हो। दूसरा नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु। नित्यानंद प्रभु गुरु के रिप्रेजेंटेशन है। आप या तो भगवान के नाम के द्वारा भगवान के पास जा सकते हो, या तो गुरु के माध्यम से। आप लाखों एड़ियों का जोड़ रगड़ लीजिए, 36,000 साल तक तपस्या कर लीजिए, पानी में बैठ के करिए, टांग खड़ी करके कीजिए या टांग ऊपर करके कीजिए, कैसे भी कर लो, जब तक नाम नहीं है और जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। दिस इज फाइनल स्टेटमेंट। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको ये बताया। तो इसीलिए गुरु को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। तीसरा अपराध भी, गुरु को साधारण मनुष्य समझना और गुरु की अवज्ञा करना। गुरु ने जो बोल दिया वो बोल दिया। हो सकता है गुरु के कोई फॉलोअर ना हो, सकता है गुरु वृंदावन में आपने देखे तीन कोड़ी बाबा जी महाराज, नाम क्या है? तीन कोड़ी, लाटा बाबा, पहाड़ी बाबा, समझ रहे हो, पागल बाबा, नाम क्या है? पागल बाबा। सुना आपने यूट्यूब पे कभी पागल बाबा जी महाराज का लेक्चर आ रहा है? सुना?
नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे गुरु ऐसे ही हों, फेमस हों अमोघ लीला प्रभु की तरह, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे गुरु गुरु हैं, चाहे वो वृंदावन के पागल बाबा हों, तीन कोड़ी बाबा हों, चाहे वो एक नॉर्मल से व्यक्ति क्यों ना, बस हमें किसका आदर करना है, गुरु की शिक्षाओं का और गुरु का आदर करना है। क्योंकि गुरु ही हमें किससे मिलवा सकते हैं, कृष्ण से मिलवा सकते हैं। दूसरे गुरु से शिक्षा ली जा सकती है, दूसरे गुरु कितने फेमस हैं हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इस बात से। हमें इस बात से होना चाहिए कि मेरा संबंध किससे है। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी के पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर है अंबानी, और हमारे पिताजी अंबानी नहीं है, नॉर्मल मीडियम मिडिल क्लास फैमिली वाले या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हम अंबानी को पिताजी बोलना शुरू करेंगे क्या, या अपने पिताजी को ही बोलेंगे? किसकी बात मानेंगे, अंबानी की अपने पिताजी की? हाँ, उसी प्रकार से गुरु जो भी आपको भक्ति में लेकर आता है उसका आपके ऊपर ऋण रहता है। क्या रहता है? ऋण रहता है। उस ऋण को आप कभी नहीं चुका पाते। इसलिए तीन प्रकार के गुरु शास्त्र में बताया, एक बताया पथ प्रदर्शक गुरु, कौन, दूसरा शिक्षा गुरु, और तीसरा दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है, बाकी शिक्षा गुरु काफी सारे हो सकते हैं, और पथ प्रदर्शक गुरु भी एक ही होता है। पथ प्रदर्शक मतलब जो आपको लेकर आया भक्ति, समझ रहे हो? हो सकता है वो भक्त ना भी हो, कई बार होता है ना, दुकान वाला बोलता है रे यहाँ बहुत नाश्ते रहते हैं, तुम भी जाया करो, खुद नहीं जाता हो कभी, तो वो भी आपका क्या है, गुरु है, उसका ऋण है आपके ऊपर, इसलिए आपको उसको सम्मान करना है। दूसरे कौन है? शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षा देते हैं। पथ प्रदर्शक तो केवल लेकर के आया, बाकी शिक्षा कौन दे रहा है? कोई और दे रहा है शिक्षा। तो जो भी आपको शिक्षा दे रहा है वो क्या हो गया? आपका शिक्षा गुरु। और जिसने आपको दीक्षा दिया वो क्या हो गया? दीक्षा गुरु। तो पथ प्रदर्शक गुरु कई बार शिक्षा गुरु का रोल करता है, कई बार पथ प्रदर्शक भी वही होता है, शिक्षा गुरु भी वही है, और दीक्षा गुरु भी वही है, बहुत सारे केसेस में। जैसे हमारे महाराज हैं या प्रभुपाद जी के समय, कई लोग सीधे सीधे प्रभुपाद जी से जुड़े हुए, प्रभुपाद जी को ही सुन के आ गए, और प्रभुपाद जी से ही शिक्षा ली, और प्रभुपाद जी से ही दीक्षा भी ली, तो वो हो गए एक ही आदमी सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी के केस में अलग अलग होता है, कोई माता है, उस माता ने दूसरी माता को जोड़ा, तो माता क्या बन गई? पथ प्रदर्शक गुरु। फिर देखा तो क्लास किसी और की चल रही है, तो उस क्लास में जो शिक्षा दे रहा है वो क्या है? शिक्षा गुरु है। फिर वो शिक्षा गुरु दीक्षा तो नहीं दे सकता है, दीक्षा गुरु तो कोई शुद्ध भक्त ही हो सकता है, समझ रहे हो? तो जिसने दीक्षा दी वो क्या हो गया? दीक्षा गुरु हो गया। इस प्रकार से डिवाइडेड। तो सबसे ज्यादा हमें अगर रहना होता है ना, शिक्षा गुरु के संपर्क में रहना होता है। दीक्षा गुरु केवल परंपरा से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है ये शिक्षा संप्रदाय, दीक्षा संप्रदाय नहीं है। आप दीक्षा लेकर के शिक्षा गुरु के पास जाकर के भजन कर सकते हो, समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो इस प्रकार से दीक्षा एक रिचुअल है, एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ भाई आप आ गए, परंपरा में आ गए, बाकी सारा जीवन आप किसको समर्पित करते हो? शिक्षा गुरु को समर्पित करते हो, ठीक है? इस प्रकार से तो ऐसे ऐसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वहां पर जाते हैं, तो भगवान गुरु की कृपा से मिलते हैं। इसलिए इस अपराध को कभी नहीं करना है, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना है। भगवान जानबूझ के गुरु को ऐसा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपकी परीक्षा है, अरे तो गुरु ऐसी है। इसलिए कई लोग अपराध करते हैं और भक्ति से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे भक्तों को हमने ऐसे देखा कि महाराज के साथ चले गए, महाराज के साथ ट्रेवलिंग भी करने लगे, अरे महाराज भी तो नहा ही रहे, महाराज भी तो खा पी रहे हमारी तरह, महाराज भी तो पनीर की सब्जी खाते हैं, क्या अंतर रह गया इनमें? बस जैसे ही गुरु में गुरु बुद्धि हट गई, मनुष्य बुद्धि आ गई, हमारा पतन होना शुरू हो गया। गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वो तो आज भी वैसे ही है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? जिसने अपराध किया। वो तो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, महाराज तो आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन भक्तों ने निंदा करी, गुरु अवज्ञा करी, गुरु को साधारण मनुष्य माना, वो सब कहाँ चले गए? धीरे धीरे नर्क प्राप्ति की तरफ चले गए, गड्ढे में चले गए। और जिन्होंने गुरु को गुरु माना, उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके साथ गुरु जैसी निष्ठा रखी, वो आज कहाँ? बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले, समझ रहे हैं आप हमारी बात को, ठीक है? तो हमारे प्रभु जी हिज ग्रेस सचिनंदन प्रभु, वन थिंग आई सी इन हिम कि वो क्या है, बस गुरु के लिए बहुत लॉयल, और चीज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन गुरु के लिए बहुत लॉयल, गुरुनिष्ठ है। क्या है? हाँ, इसी गुरुनिष्ठता की वजह से देखो प्रभु जी तो बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ रहे? लेकिन जो गुरुनिष्ठ नहीं होगा वो क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। जो गुरुनिष्ठ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता 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 चले जाएगा, ठीक है? तो हमें गुरु निष्ठता और नाम निष्ठता दो चीजें तो सीखनी पड़ेगी। नाम के प्रति लॉयल रहना और गुरु के प्रति
घायल रहना, ये दो बातें हमें सीखनी है आज के इसमें। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी वहां पर जाते हैं तो रोने लग जाते हैं कि प्रभु को देख के, अब बोलते हैं प्रभु हम तो नीच हैं, जगाई मराई फिर भी ठीक थे लेकिन हम तो उनसे भी नीच है, हम सोचो मुसलमान के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम तो एकदम गिरे हुए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारी इस विनम्रता को देखकर मेरा हृदय फट जाएगा, इसलिए तुम इतनी दीनहीनता से मत बात करो मेरे साथ, अरे तुम पंडित हो ब्राह्मण हो, उठो, उठ करके आज से मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ और आज से तुम्हारा नाम क्या है, साकर मल्लिक, तुम्हारा नाम रूप गोस्वामी है और दबीर खास तुम्हारा नाम सनातन गोस्वामी, जो भी है आप बस भाव को समझिए, ठीक है। तो दीक्षा दे दिया और दीक्षा देकर बोला आज से तुम रूप, अब देखो हमारी दीक्षा होती है तो कैसे होते हैं, तीन चार प्रभु जी लोग रहते हैं बैठे हुए, ओ हरि बोल फलाने प्रभु की जय, मृदंग बजाते हैं और हरे हरे नाम का होता है, उस समय कोई मृदंग बजाने वाला नहीं था, कोई माला देने वाला भी नहीं था, रात के 2 बज रहे हैं पेड़ के नीचे और जो नित्यानंद प्रभु है और साथ में हरिदास ठाकुर वो भी महाप्रभु से मिला के वो बाहर चले गए पहरा देने के लिए, सोचो कोई नहीं है अकेले में, लो भाई तुम्हारा नाम रूप गोस्वामी और तुम्हारा नाम सनातन गोस्वामी और अब तुम जल्दी से ये राज काज छोड़ करके मेरे पास वापस आ जाओ। तो उस दिन खूब रोए, खूब महाप्रभु का संग लिया, दाढ़ी मुस्लिम की तरह वेश था पूरा, ये यहाँ मूंछ नहीं थी दाढ़ी थी, और जा करके कंबल लपेट के वापस कहाँ चले जाते हैं, राजा के दरबार में चले जाते हैं। लेकिन जब से इनका दीक्षा हुआ और जब से ये महाप्रभु से मिले, राजकाज में इनका मन नहीं लगता था, यार मैं मुस्लिम की नौकरी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों क्या है, एक रेवेन्यू मिनिस्टर है और एक चीफ सेक्रेटरी, तो ये दोनों ने क्या कर दिया, नहीं रह पाए, ये 2-3 दिन भी काम नहीं कर पाए, इन्होंने रिजाइन किसको दे दिया, सनातन गोस्वामी को रिजाइन दे दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को देंगे ना ये दोनों, तो रिजाइन दे दिया, सनातन गोस्वामी को क्या चाहिए, उन्होंने फटाफट एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है तुम जाओ, रूप गोस्वामी भी उनके भाई बल्लभ ये दोनों कहाँ चले गए, छोड़ छाड़ करके घर महाप्रभु के साथ पहले चले गए, रूप गोस्वामी पहले चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी तो प्राइम मिनिस्टर है, ये इनको किसके पास देना होगा रेजिग्नेशन, राजा के पास रेजिग्नेशन देना होगा, अब ये गए रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं राजा, तो क्या करूं, मेडिकल लीव ले लिए, छुट्टी ले लिए, छुट्टी लेकर के ये आगे वापस घर में रहने लगे और घर में क्या कर रहे हैं, भागवतम क्लास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भागवतम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, राजा बोला क्यों नहीं आते हो, तो कहा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तबीयत ठीक होगी तो आ जाऊंगा, फिर 1 महीना होगा, 1.5 महीना हो गया, तो राजा ने भेजा किसको, अपने पर्सनल वैद्य को, जाओ और जाकर के पता करो क्या सच में तबीयत खराब है, और अगर तबीयत खराब है तो उनको दवाई देकर आना, उनको ठीक करके जल्दी लाओ क्योंकि हमें राज्य में उनकी बड़ी आवश्यकता है। तो रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी और वैद्य आए, तो वैद्य जो है, वैद्य अपना बेचारा बोलता है कि सही रिपोर्ट लिखूं या गलत रिपोर्ट लिखूं, क्योंकि उसे पता है अगर ये प्रधानमंत्री फिर से बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ही है तो मेरी नौकरी तो इसी के हाथ में, समझ रहे, तो उनसे पूछता है सनातन गोस्वामी से सही रिपोर्ट लिखूं या गलत रिपोर्ट लिखूं, क्योंकि सही रिपोर्ट में तो आपके शरीर में जुकाम तक नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरी तबीयत खराब है, सिक लीव ले रखी है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप सच बोलिए, जो भी सच्ची रिपोर्ट है वो बनाओ। तो सच्ची रिपोर्ट जब बनती है, राजा के पास जाती है, राजा बोलता है अरे तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाराज अब मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, मैं नहीं आ पाऊंगा राजकाज। तो सनातन गोस्वामी को बहुत रिक्वेस्ट करता है, राजा नहीं मानते हैं। तो राजा बोलते हैं अच्छा पता है तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। सनातन गोस्वामी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मेरे को मार डालोगे, मैं मरने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अभी मार दो, मुझे कोई लेना देना है मन प्रभु, मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम माला करने के लिए तैयार नहीं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं, और हम ये सनातन गोस्वामी मरने के लिए तैयार। तो राजा बोला नहीं मारूंगा नहीं तुझे, क्या नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें मार दिया तो फिर फायदा क्या होगा, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, किसमें डालूंगा, जेल में, और जेल में डाल करके तुम्हें जब तेरी मति ठीक हो जाएगी उस दिन फिर दोबारा से तुमसे प्रधानमंत्री का काम करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा। तो जेल में डाल दिया, जेलर को बोल दिया कि जब इनकी मति ठीक होगी फिर से ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तक इनको रखो यहाँ। अब जेलर कैसे ट्रीट करेगा उनको, कैदी की तरह या अच्छे से, बोलो अच्छे से, क्योंकि जिस दिन मति ठीक हो गई, प्रधानमंत्री बन गया, दोबारा फिर मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा।
तो झीलर साहब बड़े प्यार से सनातन गोस्वामी को रखते थे, अच्छा अच्छा प्रसाद लेकर आते थे। सनातन गोस्वामी इसको पटा देते, पटा करके 7 स्वर्ण मुद्राएं, कितनी 7 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, और दे करके बोलते हैं भाई तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, क्योंकि रूप तो मुस्लिम का ही था, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, मैं मक्का जाना चाहता हूँ, अब मैं मौलवी बनना चाहता हूँ, ये मुझे राजकाज में फंसा रहे, यार तुम मुझे ना यहाँ से छुड़ा सकते हो। सोचो कितने चालू है सनातन गोस्वामी, और वो पक्का मुसलमान था जेलर। जेलर बोला नहीं ये तो अल्लाह ताला का फक्र है, हमें तो आपकी मदद करनी चाहिए। जेलर को पटा, पर राजा, अगर राजा को पता लग गया हो तो मुझे जान से मार देगा। बोला अरे तू बोलना वॉशरूम जा रहा था, गंगा में डूब के मर गया, क्योंकि पहले तो ऐसे टॉयलेट तो थे नहीं, बाहर ही जाना पड़ता था, तो सुबह लोटा लेकर जा रहा था तो गंगा में डूब के मर गया, और मैंने बांधा भी था देखो चैन, और चैन सही थी, वो कूद के चले गए, हम बचा नहीं पाए। बोला हाँ ये ठीक है, तो फिर भी वो सक पका रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या करते हैं 7 मुद्रा के अलावा 5 मुद्राएं और दे देते हैं। जैसे ही 5 मुद्राएं और देते हैं तो जेलर बोलता है अभी चलें क्या? अभी चलें? तो फिर अभी जाते हैं वो लोग जा करके, जेलर भी वो भी सनातन गोस्वामी गंगा में कूद जाते, कूद करके गंगा पार कर देते हैं। गंगा पार करके किसी तरह, बहुत लंबी स्टोरी है, फिर जा करके वहां से आते हैं और बनारस में महाप्रभु उस समय रहते हैं, कहां वाराणसी में, फिर आकर के वाराणसी में आते, वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में रह रहे होते, फिर चंद्रशेखर को बोलते हैं जाओ बाहर कोई आया है, महाप्रभु को ढूंढ लेते हैं कहां रह रहे हैं सनातन गोस्वामी, पूछ पाछ करके उनके घर चले जाते हैं। देखते हैं तो बाहर एक मुसलमान है, महाप्रभु कहते हैं जाओ एक संत खड़े हैं बाहर, बहुत महान संत है। वो चंद्रशेखर बाहर आते हैं, कौन सा यहाँ तो ही मुल्ला खड़ा है। वो भी फटे सटे कपड़ों में, और फिर अंदर जाते हैं तो बोलते हैं महाप्रभु कोई बाहर है नहीं, एक फकीर खड़ा है बाहर, वो भी मुस्लिम है, हमें उससे क्या काम। महाप्रभु कहते हैं चलो मैं आता हूँ। आए तो देखे, बोला ये हाँ यही महान संत है। फिर अंदर जाते हैं, महाप्रभु गले लगाते हैं, वो रोते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप गले लगाने लायक नहीं हूं, मैं छूने लायक नहीं, मैं नीच जाति का हूं, आप मेरे से दूर रहे, समझ रहे हो। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर महाप्रभु बोलते हैं कि जाओ चंद्रशेखर को कि इनको अच्छे कपड़े पहनाओ, शेविंग वेविंग करवाओ, करवा करके वो दोबारा से सनातन गोस्वामी बन जाते। फिर महाप्रभु 2 महीने, हाउ मेनी टाइम्स, 2 मंथ्स उनको वाराणसी में प्रवचन देते हैं, सिखा करके उनको कहाँ भेज देते, वृंदावन भेज देते। और इन्हीं सनातन गोस्वामी ने फिर राधा मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण करवाया वृंदावन में, जो आज भी है। और लास्ट में फिर राधा मदन मोहन जी वहां रहते थे, कहाँ, चकलेश्वर गोवर्धन में, चकलेश्वर महादेव है ना, उनके सामने रोज मानसी गंगा में स्नान करते थे और गोवर्धन परिक्रमा करते थे रोज। इसीलिए जिस दिन महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी चले जाते हैं ना, देहांत होता है इनका, वो पूर्णिमा थी आषाढ़ी पूर्णिमा, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को सब लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, उस दिन से ये फेमस है, ठीक है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का परिचय आज हमने किया। हम भागवतम से कहाँ चले गए, सनातन गोस्वामी, सॉरी हम टॉपिक को इधर उधर भटका देते हैं, लेकिन आप लोग मत भटकिए, अब ये तात्पर्य में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये तात्पर्य आप अपने आप ही घर में पढ़ लेना, ये कल हम पढ़ लेंगे। तो ये संतों की, गुरु की और नाम की इतनी महिमा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सब लोग मंगला आरती करेंगे और उसके बाद नाम जप करेंगे, है कि नहीं।